दोस्तों नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है, अगर आप भी अतिथि शिक्षक हैं और अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं तो आप जानते हैं अतिथि शिक्षक होना ही अपने आप में एक बड़ा शोषण का नाम है। लेकिन अतिथि शिक्षकों के नाम पर फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी यानी प्राथमिक शिक्षक बनने का जो बड़ा खेला है वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नए आदेश जारी किया गया है। इस नए आदेश के माध्यम से 3 प्राथमिक शिक्षक नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जिनकी अभी अभी ज्वाइनिंग कराई गई थी अगस्त 2023 में। मामला अतिथि शिक्षकों के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र को 5 लाख रुपये देकर बनवा करके प्राथमिक शिक्षक की नौकरी हासिल की गई थी। पूरा डिटेलेड वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा लाइक और इसको शेयर जरूर। आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे, एक अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। मामला अतिथि शिक्षकों को लेकर है। अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र के सहारे प्राथमिक शिक्षक बनने को लेकर है। तत्काल प्रभाव से उन जो प्राथमिक शिक्षक बनाए गए थे उनको उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, यानी नौकरी से हटा दिया गया है। और यह अभी लेटेस्ट अपडेट है, अगस्त में ही उनकी ज्वाइनिंग हुई थी अगस्त 2023 में, और अभी जो है अक्टूबर में आज कार्रवाई हो गई है। शिकायतकर्ता से खुला फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का मामला, 1 महीना ही कर सके नौकरी, यानी मोटी रकम दे के अतिथि शिक्षक के रूप में काम करने का अनुभव बनवाया गया था, जबकि इन्होंने अतिथि के रूप में काम किया नहीं था और इस पर बीओ लेवल के अधिकारी भी संलिप्त थे। एक और जहां अतिथि शिक्षकों की घृणा भरी नजरों से देखा जाता है, वहीं लाभ लेने के लिए अतिथि के रूप में काम किया है ऐसा अनुभव बनवा कर सरकारी नौकरी हासिल करने का यह लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट है। श्योरपुर से पूरा मामला है। अतिथि शिक्षक के फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करने वाले 3 प्राथमिक शिक्षक 1 महीने ही नौकरी कर सके हैं। इनकी अगस्त महीने में ही नियुक्ति हुई थी। इस बीच एक शिकायत की गई जिसमें जांच कलेक्टर ने कराई तो पूरा मामला खुल गया है। इसमें से 2 शिक्षक श्योरपुर और 1 जो शिक्षक है पन्ना जिले में शिक्षक की नौकरी सरकारी नौकरी कर रहा है। कलेक्टर संजय कुमार ने 3 अतिथियों की नियुक्ति निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। ये रियल में अतिथि नहीं थे, इन्होंने पेमेंट पैसा दे के और अतिथि का अनुभव बनवा के वर्ग 3 की नौकरी हासिल की थी। साथ ही फर्जी अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिम्मेदार पाए गए बीओ श्योरपुर तथा 3 प्राचार्यों की विभागीय जांच सुनिश्चित की है। डिप्टी कलेक्टर बीएस श्रीवास्तव को जांच अधिकारी बना दिया गया है। वहीं बताया गया है कि कलेक्टर संजय कुमार को शिकायत मिला है कि जिले में अतिथि शिक्षकों के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। ऐसे में 3 के नाम भी बताए गए थे जिनके फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। वहीं शिकायत में जांच में अतिथि शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी बनाए जाना पाया गया है। इसके बाद कलेक्टर संजय कुमार ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय अरोंद में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक मोहन सिंह, यानी 1 का नाम है मोहन सिंह रावत, पुत्र श्रीपाल सिंह रावत, ये कहाँ के हैं, ये जो है निवासी हैं सुनवाई विकासखंड विजयपुर है और इनका शासकीय प्राथमिक विद्यालय नितिन वास में पदस्थ हैं, यानी वर्ग 3 की नौकरी रेगुलर नौकरी में अतिथि के अनुभव के सहारे पदस्थ हैं। पदस्थ प्राथमिक शिक्षक धीरज राठौर, यहाँ पर देखे दूसरा नाम है, पुत्र ओम प्रकाश राठौर, ये निवासी है घूंघस के तहसील वीरपुर विकासखंड विजयपुर, यहाँ पर इनका लगता है। वहीं इनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। इसी प्रकार शासकीय माध्यमिक विद्यालय दोहली जिला पन्ना में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक बाघ सिंह की भी नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। वहीं आपको बता दें किए जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना को पत्र भेज दिया गया है, साथ ही नियुक्ति निरस्त कर अवगत कराने के भी आदेश जो है दे दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें जो इसमें पूरा जो गेम है किस प्रकार से खेला गया है, देखिए बीओ सहित इन प्रचार की यहाँ पर संदिग्धता में जाँच के यहाँ पर निर्देश है। फर्जी अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र बनाने के मामले में प्रचार शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय पंडोला लोकेंद्र कुमार मीणा, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय मकड़ावाड़ा कला जितेंद्र मित्तल, प्रभारी प्राचार्य शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय मकड़ावाड़ा कला नंद बिहारी शर्मा तथा खंड शिक्षा अधिकारी श्योरपुर यमल गर्ग का नाम भी यहां पर शामिल है, बताया गया है, जिन पर कलेक्टर ने विभागीय जांच बैठा दिया है। और यहाँ पर देखिए पूरा खेला, ये अभी ज़्यादा दिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, 10 अगस्त को हुई थी आरक्षित पद पर, यानी अतिथि शिक्षकों के पद पर ये नियुक्ति पाए थे। आपको बता दें कि पूरे राज्य में प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की गई जिनमें अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के अंक
किए गए। 10 अगस्त 2023 को अतिथि शिक्षक संबंध के आरक्षित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले यह तीनों जो प्राथमिक शिक्षक बने थे ये शामिल थे, जिनके द्वारा फर्जी अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र लगाकर अतिथि अनुभव के तौर पर मिलने वाले अंक प्राप्त करके नियुक्ति प्राप्त की गई थी। वहीं नियुक्ति ऐसे ही नहीं मिल गई है दोस्तों, 5 लाख रुपए देकर बनवाए गए थे प्रमाण पत्र। तो अब जब सरकारी नौकरी की बारी आती है तब पता चल रहा है अतिथि की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर फर्जी अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र बनाए जाने संबंधी खुलासे के बाद बताया जा रहा है कि इसमें 5-5 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। इसी का नतीजा है कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाकर देने का नियम होने और उस पर रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बाद भी इनके फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। लेकिन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया जटिल है दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन होता है। ये अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया है, इसमें अनुभव प्रमाण पत्र ऐसे ही नहीं बन जाता है, जिनके नाम पोर्टल पर फीड किए जाते हैं संकुल से, फिर बीओ से, तो यहाँ पर स्कूल के संस्था के दस्तखत रहते हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर संकुल प्रचार के अनुमोदन होते हैं, दस्तखत होते हैं, फिर वह कागज जाता है डीओ के पास, डीओ के दस्तखत होते हैं, तब डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र बनता है। ये पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को 5 लाख रुपए में किया गया और अतिथि के रूप में लाभ लिया गया और प्राथमिक शिक्षक के नौकरी पाई गई। लेकिन अब यहाँ पर खुलासे के बाद देखना है कि और कितने प्राथमिक शिक्षक हैं जिनका अतिथि के अनुभव प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी मिला हुआ है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर ले बिल्कुल फ्री में, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।